प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सिक्स में गणित विषय के अंतर्गत से अध्याय एक अपनी संख्याओं की जानकारी में बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाना सिखाएंगे। इसमें दो टाइप है। पहली टाइप है जब सारे के सारे अंक बगैर शून्य के हो और शून्य के अतिरिक्त अंकों, और दूसरी टाइप है जब एक अंक शून्य भी हो, कम से कम एक अंक शून्य भी हो। तो अब जैसे पहली टाइप है, चार पांच तीन और छह का प्रयोग, अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे हम। सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक छह, फिर उससे छोटा अंक पांच, फिर उससे छोटा अंक चार, फिर उससे छोटा अंक तीन, और सबसे छोटी संख्या में पहले सबसे छोटा अंक तीन, चार, पांच और छह। दूसरी टाइप है जिसमें अंक दो, पांच, आठ और शून्य, यानी कि एक अंक कम से कम एक अंक शून्य है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा अंक आठ, फिर उससे छोटा पांच, फिर उससे छोटा दो, फिर शून्य, सबसे छोटा अंक शून्य। अब सबसे छोटी संख्या में देखो, अगर हम पहले सबसे छोटा, पहले की तरह अगर सबसे छोटा अंक शून्य लिखते हैं, दो फिर पांच फिर आठ, तो ये कितने अंकों की संख्या हुई? तीन की, 258। तो ये हमारे अनुसार सही नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? पहले अंक दो, जीरो से जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, फिर जीरो, फिर पांच और फिर आठ। आज का होमवर्क ये है, ये पांच क्वेश्चन है, आपने ये पांचों करने हैं।